इन दिनों हिन्दुस्तान के आसमान में गुजरात का पतंग नई नई ऊंचाइयों को पार करता जा रहा है। विकास की नई क्षितियों को हम छू रहे हैं। वाइब्रेंट गुजरात ये शब्द नहीं, ये जीवन का हिस्सा बन गया है। साबरमती के तट पर मनाया जा रहा है ये पतंग उत्सव वाइब्रेंट गुजरात का मुख्य आकर्षण है। ये गुजरात की तरक्की का जश्न है। लोगों की मेहनत और ईमानदारी रंग लाई है। जिस साबरमती तट पर ये कार्यक्रम हो रहा है वो खुद एक बहुत बड़ी योजना का हिस्सा है। ये खूबसूरत पर्यटन स्थल आगे चलकर सारे देश के शहरी विकास के लिए एक जबरदस्त मिसाल कायम करेगा। यहाँ का क्वालिटी ऑफ लाइफ, यहाँ का एचआर का जो पोटेंशियल है, यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो बन रही है, यहाँ पर जो फोकस है मैनेजमेंट के ऊपर, मैनेजमेंट एजुकेशन के ऊपर, आईटी एजुकेशन के ऊपर, उससे बहुत बेनिफिट होने वाला है गुजरात को। फॉर मैन पावर प्लानिंग गवर्नमेंट हैज टेकन ए डिसीजन टू इंक्रीज 10,000 सीट्स इन पॉलिटेक्निक्स एंड 10,000 सीट्स इन आईटीआई नेक्स्ट ईयर एंड नेसेसरी बजट प्रोविजन फॉर दिस इज ऑल्सो बींग मेड। तेजी से तरक्की कर रहा गुजरात अब हिंदुस्तान के बाकी राज्यों को काफी पीछे छोड़ चुका है। गुजरात की आर्थिक तरक्की की तुलना अब दुनिया के बड़े बड़े देशों से की जाती है। Press about India generally and Gujarat in particular is very, very favourable. There are obviously some excellent opportunities here, and Indian business is not only something which people talk about in India, but it's something which people talk about in terms of its impact on the rest of the world. And like I said, Gujarat is a big part of the Indian economy, and so it plays a very important part of that global impact of Indian business. I live in Antwerp, which is a large Gujarati business community. Mainly in the diamond sector, also in shipping, and I'm not very close to them, but you know I do interact with them, and you see they nowadays have a very positive impression of Gujarat's economic performance, and they do give credit to Narendra Modi for that. One element, for example, is his apparent incorruptibility. जैसा हम लोग कहते हैं ना यथा राजा तथा प्रजा, उसी माफिक उसी हिसाब से कि जब चीफ मिनिस्टर का इंटेग्रिटी डाउट में नहीं है तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कहते हैं हम भी अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। पश्चिम बंगाल और हरियाणा जैसे राज्यों से उलट गुजरात में ऐसी जेड को लेकर कोई विवाद नहीं है। 1600 किलोमीटर लंबा समुद्र किनारा, 11 एयरपोर्ट्स, 41 पोर्ट्स, 2200 किलोमीटर लंबी गैस ग्रिड, 74,000 किलोमीटर लंबी सड़कें और एक विशेष एसईजेड एक्ट। मेरा पूरा गुजरात ही एसईजेड है। एसईजेड का मीनिंग है इन गुजरात, एस स्टैंड फॉर स्पिरिचुअलिटी, ई स्टैंड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड जेड स्टैंड फॉर टीम। देखिए गुजरात में एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि एक पोर्ट बेस्ड स्टेट है, यहाँ की कोस्ट लाइन इतनी बड़ी है और यहाँ पे गैस की अवेलेबिलिटी है, तो यहाँ पे पावर जनरेशन में तो हमेशा कॉम्पिटिटिवनेस रहेगी और बाकी रकम से भी जब एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा हो, माहौल अच्छा हो और प्रोएक्टिव हो यदि गवर्नमेंट्स, तो उसका एडवांटेज इंडस्ट्री को मिलता है। ए लार्ज नंबर ऑफ पावर प्रोजेक्ट्स आर कमिंग टू गुजरात, द लार्जेस्ट बीइंग ऑफ कोर्स द अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट। मैन्युफैक्चरिंग है तो इंजीनियरिंग में गुजरात का स्ट्रेंथ है, राजकोट है, बड़ौदा है, अहमदाबाद है, जामनगर है, इन सब सिटीज में काफी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स बनते हैं और सर्विसेज मिलती हैं, तो दिस मेक्स इट इजी फॉर अ डच कंपनी। उसको आउटसोर्स भी करना है तो उसको जो सेटअप चाहिए, जो मैंने देखा है डच कंपनीज मुझे कहती है कि वो तो यूरोप में भी काफी कम कंपनीज के पास ऐसा सेटअप होता है, वो यहां गुजरात में मिलता है उनको। हमारे यहां पीपा भाव से जयपुर तक गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए डबल डेकर ट्रेन हमने प्रारंभ की है और हम इसको पीपावाव से पंजाब तक ले जाना, भटिंडा तक ले जाना चाहते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन में कितनी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाएगा, एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट होने वाला है। हैरानी की बात है कि देश में बंद पड़ी आधी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अकेले पश्चिम बंगाल में मौजूद है, लेकिन गुजरात में लघु उद्योग तेजी से बढ़ रहे हैं। इन द लास्ट 5 ईयर्स there has been an addition of 70,000 units in the small scale sector. Today the number of small scale units in Gujarat stand at 3 lakh
and 12,000 units, an all-time high record. This state is one of the most progressive states in the country. It's the fastest growing. It has a government that works. And I believe that as India takes its place in the world, as Mukesh said, that Gujarat will be one of its shining lights. देश में हड़ताल और लॉकआउट की वजह से साल भर में 2,33,00,000 मैनडेज का नुकसान हो जाता है। गौरतलब है कि इसमें से 60% मैनडेज का नुकसान केवल पश्चिम बंगाल में होता है, लेकिन गुजरात में मजदूरों और मैनेजमेंट के बीच संबंध मधुर रहते हैं। यही गुजरात की खुशहाली का राज है। रिलायंस हैज बीन ऑपरेटिंग इन गुजरात एंड वी हैव नॉट लॉस्ट वन सिंगल मैनडे ऑफ वर्क बिकॉज ऑफ एनी लेबर इश्यू। I believe Gujarat is vibrant because it has a heady mix of three factors. It is fortunate to have at its helm very dynamic leadership provided by the Honorable Chief Minister, very high quality of governance, and it espouses a true spirit of partnership between industry and government. भारत में सबसे ज्यादा कपास गुजरात पैदा करता है। देश के 24% केमिकल्स, 25% कपड़ा, 45% दवाइयाँ और 72% हीरे जवाहरात गुजरात में तैयार किए जाते हैं। विश्व के अनेक देशों की नजर में भी गुजरात के विकास का यह कदम आसमान छूता नजर आएगा, ये मैं साफ देख रहा हूं। तो लोग यही कहते हैं कि पब्लिक पार्टिसिपेशन गुजरात में अत्यंत अधिकतम है, क्योंकि जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसके अनुसार लोगों में उत्साह बढ़ती है। जब तक उत्साह नहीं बढ़ेगी, पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं होगी।